अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी कि हम आपको डोरी में जो लटकन बनाए जाते हैं वो लटकन बनाने का तरीका बताएं। तो आपने देखा ही होगा कि ब्लाउजों में, कुर्तों में आजकल कितनी ज्यादा डोरियां चल रही हैं और डोरी में आजकल अलग अलग प्रकार की लटकन बनती है। मैं आज आपको जो डोरी की डिजाइन बताने वाली हूँ तो उससे आप सिंपल डोरी तो आपने देखा ही होगा, सिंपल लटकन तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हम झटपट बना लेते हैं, लेकिन उसमें छोटा सा बदलाव करके आप उस डोरी की लटकन को कितना यूनिक और नया बना सकते हैं वो आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और उसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, झटपट आपकी वो बन जाएगी, क्योंकि हम जब सिलाई करते हैं तो हमारे पास ढेरों कतरन रहती है और उसमें से हम अलग अलग तरह की डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिये, मेन कपड़ा मेरा येल्लो कलर का है और मुझे इस पर डिजाइन रेड कलर से करनी है। और ये छोटी सी देखिये हमारे पास लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इस लेस को मैं इसमें यूज में लेने वाली हूँ। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल डोरी बताऊंगी। देखिए, ये हमारी रेडीमेड मार्केट की डोरिया है। मैंने आपको कपड़े से डोरी बनाने वाले वीडियो भी बताए हुए हैं, आप जैसे चाहे वैसे इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये बिल्कुल स्क्वायर में कपड़ा लिया हुआ है, बिल्कुल चौकोर कपड़ा लिया हुआ है। इस चौकोर कपड़े को आपको देखिए, या तो आप इसे इस प्रकार से डबल करके भी यूज में ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इसे डबल किया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, देखिए आप देखिए, मैंने कोई सिलाई इसमें अभी नहीं लगाई है, सिंपल सिर्फ मैंने इस कपड़े को, जो हमारा स्क्वायर कपड़ा था, उसको तिकोने शेप में फोल्ड कर लिया है और इसको मैंने बीच में डोरी को फंसाया और डोरी फंसाकर इसको मैंने डबल फोल्ड किया और अब मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। साइज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने ये सिंपल चौकोर कपड़े में बनाया है। देखिए, इस प्रकार से हम इसे सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल इसमें सिलाई लगाई है। अब ये जो कोने निकले हुए हैं, इन कोनों को आपको इस प्रकार से ऊपर करके काटना है जिससे कि जब आप इसे फोल्ड करें तो ये बाहर की तरफ ना दिखे। अब देखिए, मैं इसे सिंपल इसे ऐसे हाथ में लेके इसे फोल्ड कर दूंगी और आप देख सकते हैं, और डोरी पे से पकड़कर हम इसे खींच देंगे। आप देखिए हमारा कितना सिंपल और सुंदर जो है फुंदा बना है और एकदम ही एक जैसा हमारा फुंदा बना है। इस तरीके से आप झटपट फुंदा तैयार कर सकते हैं। कैसे आप इसे अच्छा सुंदर और डिजाइनर बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और आपका इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट का समय आपका इसमें लगेगा, लेकिन इस लटकन की जो शोभा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, ये हमारा चौकोर कपड़ा ही है, इसमें हमको इस तरीके से पट्टी लेनी है। उसके ऊपर हमें इस प्रकार से इसे चौकोर कपड़े को इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से हमने इसे चौकोर कर लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद हम इसे इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार से मैंने फोल्ड कर लिया और हम इसे एक राउंड शेप में कट कर लेंगे। पहले से ही मैंने इसे एक राउंड शेप में कट कर लिया है, सिलाई मैंने अभी कहीं पर भी नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। देखिए, जो हमने लेस का टुकड़ा लिया है, उस लेस के टुकड़े को हमको इस पर लगाना है। किस प्रकार से आप लगाएंगे लेस के टुकड़े को? इस प्रकार से। देखिए, मैं इसके किनारी पे इसको लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ जो नीचे गोलाई वाला पार्ट था उसके अंदर ही लेस लगाया है, दूसरे में भी हम सिर्फ गोलाई वाले पार्ट में ही लेस लगाएंगे। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही पट्टी पे मैंने इसमें लेस लगा ली है, दोनों में मैंने राउंड शेप पर ही लेस लगाई है। अब देखिए, आपको इस जो लेस का जो हमारा राउंड रखा हुआ है, हमने इसको हल्का सा आपको ऊपर नीचे करके रखना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको इसे ऊपर नीचे करके रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना, आधा इंच से ज्यादा कम का ही इसमें गैपिंग रखा है और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे फोल्ड कर लूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर लूंगी और बीच में इस डोरी को फंसा दूंगी। देखिए, ये डोरी मैंने यहाँ पे लगा ली है और इस तरीके से जैसे मैंने आपको नॉर्मल में सिलाई लगाना बताया था, वैसे ही आपको इसमें सिलाई लगानी है और एक जैसी सिलाई इस पर लगा देनी है।
देखिए अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे कट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए मैं इसे फोल्ड करके आपको बताऊंगी खुलने के बाद ये डोरी कितनी सुंदर लगेगी बनने के बाद। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी डोरी लग रही है छोटी सी। देखिए एक मिनट में हमारी कितनी सुंदर फुंदा बना है और डोरी में ये बनने के बाद लटकेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसे लहंगे में भी यूज कर सकते हैं। आप मैंने आपको ये डबल लेयर में बताया, आप 3-4 लेयर में भी इसे बना सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि लहंगे में क्या होता है बड़े झुमके अच्छे लगते हैं, ब्लाउज में भी और कुर्तों में भी आजकल बड़े ही झुमके अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से छोटे से प्रयास से आप अपने लटकन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको दोनों तरह के लटकन बनाने बताए, सिंपल लटकन भी आपको बनाना बताया है और झुमके वाला लटकन भी मैंने आपको बनाना बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए गुच्छे वाले फुंदे की डिजाइन लेके आने वाली हूँ जिसे मैं बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, जिसे देखकर आप लोग घबरा जाते हैं कि हमें उसे कैसे बनाना चाहिए। तो मैं उसे बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगी और आप उसे झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिए और इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।